आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि क्या है। संपूर्ण विधि, जिस विधि से हम चल कर गए हैं, हम वही बात सिर्फ आपको बताएंगे। किसी की सुनी सुनाई बात आपको नहीं बताई जाएगी किसी भी प्रकार से। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पर चर्चा कर लें कि भगवान शिव को गुरु क्यों बनाना है। आप सभी के मेरे पास फ़ोन भी आए, कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आते रहते हैं कि क्या करें, कोई योग्य गुरु मिलता नहीं। सबसे पहली बात बताऊं, गुरु को कभी ढूंढना नहीं पड़ता। अपने आप को शिष्य बना लो, गुरु खुद ब खुद आपके घर चलकर आ जाएंगे। अगर आपको आज तक कोई गुरु नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लायक कोई गुरु नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम किसी के शिष्य बनने के लायक नहीं हो। खुद की गलती स्वीकार करना सीखो, शिष्य भाव जागृत करो, गुरु अपने आप मिल जाएंगे। फिर भी अगर कहीं लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं बन रही, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाया जा सकता है। उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि भगवान शिव को गुरु क्यों बनाना है, क्योंकि गुरुओं के भी गुरु शिव महागुरु हैं, तो उनको गुरु बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही फायदेमंद भी है। एक भी नेगेटिव पहलू नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव पहलू हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण भी उनको अपना आराध्य मानते हैं, भगवान श्री राम भी उनको आराध्य मानते हैं, श्री नारायण, भगवान श्री ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको अपना आराध्य अपना इष्ट मानते हैं। और भगवान शिव की जो उपाधि है वो महागुरु की उपाधि है, सदगुरु की उपाधि है। तो उन्हें अगर हम अपना गुरु बना लेते हैं या वो हमें शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा शिव भगवान को गुरु बनाने के लिए? अपने अंदर शिष्य का भाव लेकर आइए कि हे भगवान शिव, अब मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, तो आप करुणा करिए, उस शिष्य को स्वीकार करिए। अपने अंदर शिष्य का भाव लेकर आओ, फिर आप किसी भी सोमवार को, किसी भी शिवरात्रि के दिन, किसी भी त्यौहार के दिन या अमावस्या के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाना होगा। क्या लेकर जाना होगा? सबसे पहले एक नया मिट्टी का दिया, उसके अंदर दो बातियां लगानी है भगवान शिव माता पार्वती की, गोल बाती, लंबी बाती, जो भी आपके पास है आप ले जा सकते हो। घी का दीपक लगेगा, वो आपके पास गाय का घी है, भैंस का घी है, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। आप घर से ही एक लोटे में जल डाल के उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला के ले जाइए। कोशिश करिए, अगर पास ही मंदिर है तो आपको एक बाल्टी पानी ले जाना होगा। क्यों ले जाना होगा? अगर पास मंदिर है तो घर से ले जाइए, पास नहीं है मंदिर तो मंदिर में आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। आपको भगवान शिव को पहले स्नान करवाना है और फिर उनका अभिषेक करना है, तो इसके लिए आपको जल की आवश्यकता पड़ेगी। घर पर ही आप पंचामृत बनाकर ले जाइए भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। थोड़ा सा सफेद या लाल चंदन जरूर ले जाइए, ये भी काम आएगा। उससे पहले आप एक माला मंगवा लीजिए बाजार से, रुद्राक्ष की माला। अगर आप भगवान शिव को गुरु बनाने के बाद माला चला सकते हो तो माला मंगवा लीजिए, माला नहीं चला सकते तो नियम बनाइए कि हर रोज 10 मिनट 15 मिनट मंत्र का जाप करूंगा। मैं यही कहूंगा कि आप माला मंगवा लीजिए, माला बड़ी ही चमत्कारी होती है। अब उस माला को और सारी सामग्री को साथ लेकर 21, 11, 51 जो भी आपके पास श्रद्धा अनुसार दक्षिणा हो, उस दक्षिणा को लीजिए और भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाइए। अब मंदिर का मुख किसी साइड हो, शिवलिंग का मुख किसी साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मुख उत्तर दिशा की साइड होना चाहिए। सबसे पहले कोशिश करिए कि उस दिन आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब ना होने पाए। अगर लगता है सोमवार का दिन है, क्योंकि देखो जब इन दिनों में जाओगे तो भीड़ मिलेगी आपको, या तो बिल्कुल ही सुबह जाओ जब कोई ना आया हो, या फिर सभी के जाने के बाद जाओ, क्योंकि आपको यहाँ 10 से 15 मिनट का समय आराम से लग जाएगा। और उस दौरान अगर आपके कारण अन्य लोगों को परेशानी होती है तो भी गलत है, अन्य लोगों के कारण आपको परेशानी होती है तो भी गलत है। आप बिल्कुल अकेले में जाइए ताकि आप पूर्ण रूप से पूरा ध्यान देकर अपनी इस प्रक्रिया को पूरा कर सकें। अब सबसे पहले वहां आपको सफाई की व्यवस्था करनी है, बिल्कुल साफ तरीके से उस शिवलिंग को साफ कर दीजिए और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा जल डालिए। थोड़ा जल डालना, ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये जल बाद में काम आएगा। थोड़ा सा जल डालिए और फिर भगवान का जो आपके पास पंचामृत है उससे अभिषेक करिए, शिवलिंग के ऊपर उस पंचामृत को डालिए और हाथों से मलिए। उस समय पर आप शिव शिव महागुरु नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर ये कुछ भी नहीं आता तो श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान शिव के नजदीक बैठकर श्री राम जय राम बोला जाता है ना, तो इससे ज्यादा प्रभावशाली चीज कोई नहीं हो सकती ब्रह्मांड में। भगवान शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अपने हाथों से उस पंचामृत को वहां पर सफाई करिए और पूर्ण रूप से अभिषेक करिए, केवल शिवलिंग के ऊपर पंचामृत का अभिषेक करना है।
उसके साथ आप बेलपत्र, भांग, दतूरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले जा सकते हो। अब जब आपने सफाई कर दी, वहां पर अभिषेक कर दिया, तो जो आपके पास जल है उस जल से दोबारा से भगवान शिव के शिवलिंग को साफ करिए, क्योंकि अगर उसको वही रहने दोगे तो थोड़ी देर बाद उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो नहीं करना। बिल्कुल साफ सफाई करनी, साफ सफाई कर दीजिए शिवलिंग की, आसपास के क्षेत्र की, और बिल्कुल साफ रूप से तैयार करिए भगवान शिव को। अब जो आपके पास चंदन है, उस चंदन को अगर पहले से ही घिसा हुआ चंदन है तो थोड़ा सा जल डाल के इस उंगली के माध्यम से शिवलिंग पर राम लिखिए, राम जितनी बार भी आप लिख सकते हो राम लिखिए। आसपास जो भगवान गणेश, नंदी, कार्तिकेय की माता पार्वती की फोटो है, उनको आप तिलक लगाइए, खुद को भी तिलक लगाइए उसी चंदन से। अब भगवान शिव और माता पार्वती के जो आपके पास मोली है, 7 बार लपेटना है उसको। याद रहे बीच में जो वासुकी नाग है वो बीच में नहीं आने चाहिए, उनको थोड़ा सा साइड रख के आप करोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा। 7 बार लपेटना है, उस समय भी श्री राम, जय जय राम चलता रहे मन में। उसके बाद आपने चंदन का तिलक कर दिया, अब वो दीपक जलाइए जो आपके पास था। दीपक जलाकर अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करिए, मेरा नाम ये है, पिता का, पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है, मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार कर चुका हूँ, अगर आपको कहीं से भी लगे कि यह आपके शिष्य बनने के लायक है तो मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार करिए, यह बात बोलकर जल को छोड़ दीजिए। अब आपको जो आपके पास पुष्प थे, भांग, दतूरा, जो भी कुछ था, बेलपत्र थे, वो चढ़ाइए शिवलिंग के ऊपर। आपके पास जो माला थी उस माला को भगवान शिव के शिवलिंग पर डाल दीजिए, गले में डाल दीजिए, और कहिए कि प्रभु आप अपनी शक्तियों को इस माला में डाल दीजिए ताकि इसके प्रभाव से आपके मंत्र का जाप कर सकें। उस समय आपको मंत्र भी बताना है कि मैं इस मंत्र का जाप करना चाहता हूँ, अगर मैं मेरी बताऊँ तो मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता हूँ। वहां बैठकर फिर आपको 15 मिनट वहीं बैठना है, 15 मिनट आपको लगातार जो भी आपने मंत्र चुना है उस मंत्र का जाप करना है लगातार कंटिन्यू। उसके बाद 15 मिनट के बाद उस माला को उठाइए, अपने गले में पहन लीजिए। पहनने से उस मंत्र की और भगवान शिव की जो शक्ति है वो आपके शरीर में समा जाएगी। वहीं बैठे रहना है सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट के बाद उठिए और माला का जो सुमेरु होता है, वो धागे से देखे होंगे ना आपने, उनको आपको शिवलिंग के जल से धोना, सिर्फ उन धागों को, और माला को गोमुखी के अंदर रख लेना है और वहां से अपने घर आ जाना है। अब आपको लगातार 11 दिनों तक शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय पर नहा धोकर अपने ही घर के मंदिर में बैठ जाइए। जो कपड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय पहनने हैं, और समय में वो कपड़े नहीं पहनने हैं, सिर्फ जाप के समय। हर रोज 11 दिनों तक हर रोज शाम को सूर्यास्त के समय 11-11 माला करनी है आपको, हर रोज 11 माला करनी है। इन 11 दिनों के बीच में अगर कोई त्योहार आता है, कोई सोमवार आता है, तो उस दिन आप फिर से मंदिर पहुंच जाइए और वहां बैठकर 11 माला करनी है। 11वें दिन फिर आपको मंदिर जाना है, 11वें दिन आप मंदिर में बैठकर फिर से जाप करोगे। इन 11 दिनों के अंदर अंदर अब आपको क्या अनुभव होंगे, आपको रात को सौपन के माध्यम से, पहले 4 दिनों में आपको सौपन के माध्यम से डराया जाएगा, कोई दुष्ट शक्ति दिखाई देगी, भयानक भयानक रूप दिखाई देंगे, अलग अलग चीजें आके आपको डराएंगी। 4थे दिन को जैसे ही क्रॉस कर जाओगे, 4थे से 8वें दिन, इन दिनों के बीच में आपको बैल दिखाई देंगे, गायें दिखाई देंगी, बंदर दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, बाबा हनुमान के मंदिर दिखाई देंगे, कोई धार्मिक मंदिर दिखाई देगा, कोई बहती हुई जल की धार दिखाई देगी, पहाड़ दिखाई देंगे, या कहीं ना कहीं छोटी मोटी भगवान शिव की या शिवलिंग के रूप में छोटी सी झलक दिखाई देगी। जैसे ही 8वें दिन को क्रॉस करोगे, 8, 9, 10, 11, इन 4 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई साधु आपके घर आएगा, किसी भी रूप में, कोई भिखारी आ सकता है या कोई अन्य व्यक्ति आ सकता है आपकी परीक्षा लेने के लिए। अब इन 11 दिनों के अंदर अंदर आपको भय भी लगेगा, सुखद अनुभूति भी होगी, दर्शन भी होंगे, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर एक चीज और भी होगी आपके साथ, वो होगा आपका गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा शुरू हो जाएगा आपको। धीरे धीरे आपका काम एकदम डाउन गेयर, मतलब जो काम, जो कुछ भी करते हो आप, वो एकदम डाउन हो जाएगा।
आपको लगेगा यार ये क्या चक्कर है, मैं तो कहीं पूजा पाठ में बैठा हूँ और यहाँ ये सारी बात हो रही है, ये सारी चीजें हो सकता है आपके घर में उस समय पर लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाए। क्यों, घबराना मत, ये सारी परीक्षा है, क्योंकि ऐसे ही शिव को गुरु नहीं बनाया जा सकता, वो पहले परीक्षा लेते हैं। इन 11 दिनों के अंदर आपको बड़ा संभल कर रहना है, शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की किसी तामसिक वस्तु का आपको प्रयोग नहीं करना किसी भी प्रकार से। और जो आखिर के 8वें से 11वें दिन की बात है, उस दौरान कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए सह शरीर आएगा आपके घर पर। उस दौरान आपका मन कहेगा मैं इसको कुछ नहीं देने वाला, ये क्यों आया, उसके ऊपर आप भड़कोगे। लेकिन बस ये वो गलती है जहां इंसान मार खा जाता है। यहां कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ऐसा काम आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो हर प्रकार से आपको संभल के रहना है, बिल्कुल शुद्ध सात्विक तरीके से। जब इन 11 दिनों में आप ये काम कर लोगे, 11वें दिन भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर बैठोगे, तब माला करके उस माला को भगवान शिव के गले में डाल देना और कहना कि प्रभु इस माला को भी जागृत करिए, आपने हमें यही संकेत दिखाए, भगवान शिव के अलावा किसी को मत बताना, आपने हमें यही संकेत दिए हैं और इन संकेतों से मुझे पता चला है कि आपने इस दास को स्वीकार कर लिया है, हम तहे दिल से आभारी हैं आपके जो आपने स्वीकार किया। आगे भी ऐसे ही अपनी इस माया से हमें बचाए रखना और अपने श्री चरणों में संतों की सेवा में लगाए रखना। माला को उतारिए, अपने गले में धारण करिए, 2 मिनट बैठे रहिए, घर आ जाइए। उसके बाद आप हर रोज एक माला करें, 3 करें, वो आपकी मर्जी, लेकिन 11 दिनों तक 11-11 माला जरूर होनी चाहिए। जब आप ये काम करोगे तो धीरे धीरे भगवान शिव के गण आपको प्राप्त हो जाएंगे। हर एक समय पर भगवान शिव आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद होंगे। 11 दिनों में जो गुस्सा आया था वो शांत हो जाएगा, काम रुका था वो दोबारा चलने लगेगा, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती, क्योंकि हर चीज़ भगवान शिव से शुरू होकर भगवान शिव पर ही खत्म होती है। तो किसी भी प्रकार का पितृदोष खत्म हो जाएगा, कालसर्प दोष खत्म हो जाएगा, जो भी शनि की साढ़े साथी चल रही ग्रहों की वक्र दृष्टि है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने अपना सब कुछ गुरु को और वैसे भी गुरुओं के गुरु को समर्पित कर दिया है। तो किसी भी शक्ति की कोई मजाल नहीं है कि आपको कोई छू भी ले, बस आप प्रेम के वशीभूत होकर लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। और जिस दिन आपने भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार किया है, उस दिन को आप नोट कर लेना कि इस दिन हमारा नया जन्म हुआ है। उसी दिन कोई ना कोई वस्तु किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी को भी दान जरूर देना, भगवान शिव के मंदिर में जरूर जाना और हर रोज माला का नियम जरूर लेना। कभी कभार सूतक पातक में या दाएं बाएं कहीं गए हो, माला ना होने पाए, तो कोई चक्कर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। घर पे हो तो किसी भी समय माला कर लिया करो, सुबह करते हो, शाम करते हो, दोनों समय करते हो, जो भी हो एक आध माला कर लिया करो। गलती से माला मतलब आप चला नहीं सकते, माला को जानते ही नहीं माला के बारे में, तो नियम बनाइए कि डेली इस समय बैठकर मैं 10 मिनट या 15 मिनट इस मंत्र का जाप करूंगा। वो मंत्र धीरे धीरे आपकी जुबान पर सिद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो बोलोगे वो काम बनने लगेंगे, धीरे धीरे आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तो यह थी भगवान शिव को गुरु बनाने के फायदे, गुरु बनाने की विधि और गुरु बनाने के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या परीक्षाएं ली जाएंगी, कैसे कैसे सब कुछ, सारी बातें एक वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, इसके लिए माफी चाहेंगे। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को भटकना ना पड़े। और हाँ, ये बात भी क्लियर कर दूँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, भगवान शिव आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे, आप उनको गुरु बना लीजिए, क्योंकि देहधारी गुरु बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो भगवान शिव के आदेशानुसार आपको देहधारी गुरु भी मिल जाएंगे। जय श्री श्याम।